हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 5:57, 3 मिनट बाकी हैं 6 बजने में। मैं जो है मैडम की लड़की, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टर जो सबसे छोटी है, वो जो है कल से गाड़ी सीख रही है चलाने के लिए। तो कल आया था जो है 4:30 या 5 बजे लाया था, 5 बजे आई थी। तो मुझे लगा कहीं जाएगी तो यहीं आई है, ठीक है बगल में। तो क्या है, यहाँ पे सीख रही है गाड़ी चलाना। तो कल आई थी दोपहर में, यानी शाम को, तो बोली है शेख कल से यानी आज से सुबह 6 बजे चलना है। तो अभी यही आकर जो है छोड़ा हूँ, तो गाड़ी आई है, लेडीज सिखा रही है, तो वो गई है। अभी 1 घंटे के बाद आएगी। तो देख रहे हैं यही इलाका है, ये एंडलूस स्कूल है और ये नया एरिया सब बन रहा है, देख रहे हैं ये। और ये पीछे तो उतारा हूँ, तेल तो है नहीं, देख रहे हैं लाल खूंटी। तो करिए तेल नहीं, हमने कहा नहीं है। 16 रियाल का कल तेल डलवाए थी सब, हमदानिया में 4 चक्कर लगाई, उसके बाद गई थी समंदर, ठीक है। कल रात में जो हथिया है मैडमों की बहनी दूसरी, उसका एक लड़का है, उसका हैप्पी बर्थडे मनाने गई थी सब। तो लेकर गया था रात में जो है समंदर पे, 20 किलोमीटर था। तो 16 रियाल के तेल में हमदानिया का 4 चक्कर, और उसके बाद जो है फिर यहाँ से वहाँ समंदर तक आना जाना। तो तेल कहाँ रहेगा, 9 लीटर कुछ पॉइंट मिलता है। तो हमने भी तेल नहीं डलवाने का, हटाओ अब जब बोलो तेल तो इनकी तो ऐसे फट पड़ी रहती है, दे धोखा कहीं रास्ते में तब मजा रहेगा। तो हमने बोला नहीं था, लेके चले गए थे, तो वही बोले तेल नहीं है, यानी एसी चालू करो, क्योंकि उसको लेट हो गया गड़िया वाली को जो सिखाती है 2-3 मिनट लेट। तो हमने कहा तेल नहीं है, वेरी अच्छा। तो वही गई है, अब मैं जा रहा हूँ जो है रूम पर, अभी जो है निकलूँगा फिर आऊँगा यानी रूम से 6:50 45 मिनट पर आऊँगा दोबारा इसको लेने के लिए। करिए सेक 1 आवर्स है ना। हाँ क्या करूँगा वहाँ पे। एक तो और बात है, जब से सऊदी में आया हूँ 6 साल हो गए हैं, ठीक है 6 साल से ऊपर, मुझे पता नहीं था कि पूरब किधर है। आज पूरब देख लिए, इधर है, देख रहे हैं ये, अभी यही सूरज निकल रहा है। तो ये है पूरब और ये है पश्चिम और उत्तर दक्षिण। आज ही सूरज देखा हूँ तब होश पड़ा, अरे पूरब ये है। हमने कहा चलो, मुझे तो पहले कन्फ्यूजन था पूरब है कहाँ। वैसे रोड एकदम सन्नाटा है, अभी जो है 6 बज रहे हैं, ठीक है पूरा रोड खाली खाली। अभी जो है सारी की सारी दुकानें बंद हैं, केवल आपको खुला हुआ मिलेगा बकाला यानी जो है किराना का दुकान और नाश्ता पानी करने के लिए होटल, बाकी सारे के सारे दुकानें बंद हैं। तो हम भी गाइस पहुंचने वाले हैं रूम पर, ज्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, लेकिन क्या है ना यू टर्न बंद है तो घुमा के जाना पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन आने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो गाइस रूम पे आ गया हूँ, अभी 1 घंटे के बाद जाऊंगा फिर लाने उसको। हे गाइस, दोपहर के बज रहे हैं
चार और अभी जो है असर की अजान हो रही है, सुबहिया जो है उसको छोड़ के फिर लाया हूँ, आई है 8 बजे, बोली है शेख 7 बजे आना 1 घंटे के बाद, 6 बजे छोड़ा, अब गए 1 घंटे बाद, 7 बजे गया, इंतजार करते करते 1 घंटे के बाद आई है, नहीं 8 बजे, 2 घंटा तक। दूसरा नंबर, गर्मी से हालात खराब हो गया मेरा, ऊपर से जो है पेट गड़बड़ था और परेशान, इसलिए कल से नहीं, कल से जब फोन करेंगे तभी जाएंगे। एक्चुअली अब आया हूँ, खाया हुआ नहीं, पेट थोड़ा गड़बड़ है ना, तो खाया हुआ नहीं, सोया हुआ था सुबह से ही, अभी फोन आया है मैडम का, जा रहे हैं उसके लिए शॉपिंग करने के लिए, सामान वामान लाना है। गाड़ी में तेल है नहीं, अब क्या करें, फोन करी है तो करिए जाना है बकाला, तो हमने कहा कहाँ, पंडा हुआ नहदी, करिए अल दुकान चले जाना, वहाँ मिलेगा ले लेना, नहीं मिलेगा तो नहदी चले जाना, कहा ठीक है, तो क्या तेल भरा है, और देख रहे हैं जबकि तेल एकदम नीचे है, चल रहे हैं, अगर इसके बाद कुछ काम पड़ेगा कह देंगे, नहीं आ पाएंगे, कहानी खत्म। ओ हो, अजान हो गया यार, दुकान तो बंद होगा, अल दुकान बंद हो गया होगा, नमाज हो रही है। तो गाइस जो है पहुंचने वाले हैं अल दुकान, ये है देख रहे हैं, बंद है कि चालू है, देखना पड़ेगा जाके। गाइस जो है आज दुकान से आधे से ज़्यादा खरीदारी हो गई है, पूरा सामान मिल गया है, केवल 3-4 आइटम है जो नहीं मिला है, तो जा रहे हैं नहदी सुपरमार्केट।
अस्सलाम वालेकुम। आ रहे हो? हे गाइस, खरीदारी होगी पूरी कंप्लीट दुकान से और नदी से। पीछे सामान पूरा रखा है, जा रहे हैं रूम पर। अभी बज रहा है 4:45 और हो सके अब 5 या 6 बजे वो आए जिसको लेके गए हैं जिम करवाने के लिए, मैडमों की सिस्टर तीसरी नंबर। अभी देखो मैडमों की लड़की जाती है कि नहीं जाती है, और तेल ख़त्म है खलास एकदम। तो गाइस पहुंचने वाले हैं रूम पे और इसका सामान दे दे मैडम वहाँ का, उसके बाद देखते हैं फिर क्या काम धाम है क्या नहीं है। गाइस वक्त हो रहा है 11:51 और मैं जो है अभी फ्री हुआ हूँ, तो अपने लिए गया था, देख रहे हैं, रोटी लाया हूँ और एक स्प्राइट लाया हूँ और एक दही लाया हूँ। देख रहे हैं ये है दही, कितना है 1/2 लीटर का, 1/2 किलो दही है, रोटी, स्प्राइट, और ये गया था चाय लाया हूँ और ये कल लाया था। तो क्या है ना, एक्चुअली बोला ना कि मतलब वो मुर्गे का पत्थर ही खा दे रहा था, पेट खराब हो गया था गर्मी से, तो खाना आज खाया नहीं, बिल्कुल नहीं खाया, तो इसीलिए जो है ना सोचा यार दही खा लें ना, कि अगर कुछ गर्मी होगा पेट में निकल जाएगा। तो एक्चुअली टाइम नहीं मिला था मुझे यार, तो कहीं इसको जिम, कहीं उसको जिम, कहीं इसको सैलून, उसको सैलून, इधर तो उधर। चाय पीने का मन कर रहा था जो है सुबह से ही, लेकिन टाइम की वजह से जो है नहीं ला पाया। अभी छुट्टी मिला है तो गया हूँ, चाय वो खरीद के लाया हूँ, तो जब चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लें उसके बाद फिर वही मुर्गे की पथरी या खाएंगे, दही है, पेप्सी है, स्प्राइट पियेंगे। तो 2 रियाल की मिली है चाय दूध वाली, एक्चुअली क्या है ना गाइस यार, जब से स्कूल बंद हुआ है, और वो तो छोड़ो स्कूल वाले, ये जब से हथिया को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ हॉस्पिटल ना, तब से जो है चाय बंद हो गया है मेरा, क्योंकि अब वो अपने ही गाड़ी लेके जाती है। हाँ तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जब से उसको हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ छोड़ने, तब से जो है चाय पीना सब बंद हो गया है। अब वो अपने गाड़ी लेके जाती है, आती है, फिलहाल सही है, उसका तेल का पैसा बचेगा ना। हे गाइस बज गए हैं 2:44, मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गया हूँ, क्योंकि नहाया नहीं था 2 दिन हो गए थे, तो नहा धो के फिट हुआ हूँ अभी, और खाना भी गर्म कर दिया है अपना, वही है मुर्गे की पथरी और रोटी। तो देख रहे हैं मेरा गर्म हो गया है, अब इसको निकालने वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो गाइस ये रहा मेरा पथरी, अभी नहा के आया हूँ। हाँ पीठ, जो पीठी पीठ है, ठीक है, पीठ पे एकदम पसीना पसीना हो रहा है नहा के आने के बावजूद।
पीठ के पीछे एकदम जैसे जो है कितना पानी कोई फेंका है, चू रहा है एकदम। आज लाया हूँ स्प्राइट और साथ में है रोटी। तो गाय जो है चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। और आज का मेरा डिनर है वही पलक मुर्गी की पथरी और रोटी, साथ में स्प्राइट है। बिस्मिल्लाह करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, खाना पीना खा के रेडी हो गया हूँ और अभी वक्त हो रहा है 3:10। तो अब जा रहे हैं सोने के लिए, आ रही है नींद। सुबह 6 बजे जाना है लेकर मैडमुआ की बहनिया को जो सबसे छोटी है। क्या करने जाती है, गाड़ी सीखने जाती है, गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। तो अब चलते हैं, करते हैं सोने की तैयारी और अब आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। और अपने भाई को दीजिए दिल से इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।